अरे कहाँ रखा नहीं सूट? पता नहीं कहाँ रख दिया, इससे तो पहले ही अच्छा था। अपनी चीज खुद रखो और खुद ही निकाल लो। खामखा कुछ चाहिए बेटा? अरे काका सारी अलमारी छान मारी है, नाइट सूट ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं किस गुफा में डाल के चली गई है। एक बात बताओ काका, क्या उसका महके जाना जरूरी था? हाँ बेटा रिवाज है, एक बार तो पांव फिराने बहू को महके जाना ही पड़ता है। तुम चाहो तो। अरे मैं क्या चाहूं काका, पांव फिराती वहां पर छींकी कर रही होगी, लेकिन मैं तो यहां पर अकेला पड़ गया ना। तो एक काम करो ना, बहू से बात कर लो। क्या बात कर लू? ऐसा करो, नाइट सूट के बहाने ही बात शुरू कर देना। वैसे काका काफी एक्सपीरियंस्ड है आप। गुड आइडिया, गुड आइडिया। थैंक यू काका, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी श्रीमती जी। हेलो कौन? राधिका अभी बोलो, थोड़ी सी क्या? जी नहीं अभी सोई नहीं थे। हाँ हमारे बिना नींद भी कहाँ आएगी डार्लिंग, आ जाऊँ क्या? दत, कहीं कैसे फोन किया? ओहो तो एक पति को अपनी पत्नी को ये भी वजह बतानी पड़ेगी कि उसने फोन क्यों किया। तो श्रीमती जी मैंने फोन इसलिए किया है कि मेरा नाइट सूट नहीं मिल रहा है यार। अरे वही तो रखा था तकिए के नीचे। हाँ मिला? हाँ मिल गया, मिल गया। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें लेने कब आऊँ? ताई जी कह रही थी कि 2-3 दिन और लग जाएंगे। क्या 2-3 दिन? ऐसा मत कर यार, मैं मर जाऊंगा। ऐसे नहीं कहते। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। तू भी दे दे भाई। नहीं ठीक है, तो मैं कल नहीं आ रहा। नाराज क्यों होते हैं? देते हैं। मजा आ गया। क्या बात है जी, कुछ चाहिए आपको? नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो फिर तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, बिट्टो कुछ ठीक नहीं लगते। क्या बात है, उसने कुछ कहा आपसे? कहिए ना, देखिए आपको मेरी कसम है मुझे कुछ छुपाइए मत। नहीं 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 वैसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये वो बिट्टू नहीं है जिसे हमने अपने हाथों से डोली में बैठाया था। उदास पूछी पूछी सी लगती है। आप तो बस यूं ही, ये तो होता ही है जब लड़की पहली बार अपने घर को अपनी आदतों को छोड़कर नए घर में नए लोगों के बीच जाएगी, कुछ तो फर्क पड़ेगा ही ना। सो जाइए आप। बत्ती बुझाकर सो जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं, बस जरा वो नीचे जाके आता हूं। अरे बेटे पापा क्या बात है, आप सोए नहीं? कुछ बात नहीं बेटे, तुम आओ जरा मेरे साथ। जी अच्छा।
क्या बात है पापा? नहीं बेटा कोई खास बात नहीं है, उस वक्त मैं तुमसे हड़बड़ाहट में पूछना भूल गया था। नहीं बिट्टू के ससुराल में सब ठीक तो है ना? उसके सास ससुर हमारे दामाद जी और बाकी के लोग जी। अब मुझे बड़ा अजीब सा लगा पापा। क्यों? अब देखिए ना, घर में नई बहू की विदाई का पहला मौका और वहाँ अविनाश जी के अलावा कोई भी नहीं। क्या कह रहा है? जी हाँ, अविनाश जी कह रहे थे कि मम्मी डैडी जरूरी काम से कहीं बाहर चले गए और बाकी के सब लोग यहाँ वहाँ छुट्टी मना रहे होंगे। क्यों पापा, इसमें कोई परेशानी है? नहीं नहीं बेटे, कोई खास परेशानी की बात ऐसी नहीं है जी। तू जा आराम कर, सो जा। अब फिर आप पापा? मैं बेटे थोड़ी देर बैठूंगा। जी ठीक है, लेकिन जल्दी सो जाइएगा। हाँ डैड, डैड मैं। अरे पिंकी बेटा बैठ। हाँ अब बताओ क्या बात है। डैड मैं कल हॉस्टल जा रही हूँ। बेटा योर मामा वाज टेलिंग मी। वो बात छोड़िए, मुझे बस आपको बताना था, बता दिया। बेटा काश तुम ये समझ पाती कि तुम्हारा घर से दूर रहना मुझे और तुम्हारी मामा को कितना बुरा लगता है। मैं मान सकती हूँ, यूं तो आपके पास भी मेरे लिए उतना टाइम रहा नहीं, पर जितना भी रहा आपने मुझे रियलाइज करा दिया कि आप मेरे हैं। पर मामा, मामा बेटा, तुम्हारी मामा एक नारियल की तरह है, बाहर से एकदम सख्त पर अंदर से बिल्कुल नरम। हाँ ये बात और है कि उनके भीतर तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। मैं जाना भी नहीं चाहती, मैं बस आपको बताना चाहती थी, बता दिया। मैं कल सुबह निकल जाऊंगी डैड, गुड नाइट। पिंकी। रुको पिंकी। कल सुबह तुम कहाँ जाने वाली हो? हॉस्टल। ये जानने के बावजूद कि कॉलेज से फोन आ चुका है कि हॉस्टल के रूम्स रिनोवेट हो रहे हैं और जिन लड़कियों के यहाँ पर घर है उन्हें कुछ दिन अपने ही घर में रहने के लिए कहा गया है। जिनके घर है उन्हीं को ना। What do you want to say? तुम्हारा कोई घर नहीं है? माँ बाप भाई बहन सबके रहते तुम बेघर हो। घर सिर्फ माँ बाप भाई बहनों के होने से नहीं, उनके साथ रहने की फीलिंग से होता है। कोई खुशी की बात हो या कोई प्रॉब्लम की, आसपास कोई रहता ही नहीं है। What rubbish you are talking? देर सवेरी सही, होते तो सब लोग इसी घर में है। किस घर की बात कर रही हैं आप? अपने या सुरेश भैया के या फिर मुकेश भैया के? क्या ये सब अलग अलग घर है? Of course, अलग ही हैं। हाँ शुरू में जब भाभी आती हैं वो थोड़े दिन मीठा मीठा बोलती हैं, उसके बाद सब अपने घर में खो जाती हैं। ये राधिका भाभी भी ऐसी ही होने वाली है। मिस्टर श्रीवास्तव, ये जरा सी लड़की बकबक किए जा रही है और आप खामोश। Okay. मिसेस श्रीवास्तव, आप एक डॉक्टर हैं, पेशेंट को क्योर करना आपकी ड्यूटी है, आपके प्रोफेशन का एक एथिक भी है। बट डोंट यू थिंक आपकी फैमिली के लिए भी आपके कुछ एथिक्स हैं? क्या मुझे अपनी फैमिली या अपने बच्चों की फिक्र नहीं है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है और मैंने अपना मुंह चुराया हो? या ऑफ कोर्स दिस इज अ फैक्ट कि मैं उन माओं में से नहीं हूं जो दिन रात अपने बच्चों को पैम्पर करके बिगाड़ देती हैं। डॉक्टर, मेरी मां ने मुझे बहुत प्यार किया है और शायद पैम्पर भी किया हो, पर आपको क्या लगता है मैं बिगड़ा हुआ हूं? देखिए बात को आगे मत बढ़ाइए मिस्टर श्रीवास्तव, प्लीज। मुझे तो पता भी नहीं कि मैं क्या पूछने के लिए यहां पर आई थी,
हाँ, अविनाश का पोर्शन रेडी हो गया है, फ्लोरिंग, वुडवर्क, एवरीथिंग। यस। तो ठीक है, राधिका जैसे ही मैके से आ जाए उसे उसके पोर्शन में शिफ्ट होना है। ये इधर का रूम खाली हो तो मैं अपने क्लिनिक की प्लानिंग करूं। एंड बाय द वे मिस्टर श्रीवास्तव, यू नो ना कि ये पाइप पीना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर, वेरी सरप्राइजिंग, अब तक आपने इतना भी नहीं नोटिस किया कि आई डोंट लाइक इट। ये तो बस नहीं, एक साथ है। कृष्णा जी देखो, आज चाय जी, चाय जी कितना कम यार, सुन शशि किरण बच्चा पढ़ी आया। बाबूजी क्या बात है? अभी चाय जी ने तो आंदे फिर दस्ता चाय जी। ओहो, की गल है, क्यों शोर मचा रहे हो? आओ जी, आओ जी, इत्ते विराजो तुसी। की गल है, बोलो तो सही। करन, पूछ अपने बाबूजी को। की गल है बाबूजी? अरे तू की पूछता है खतिया, कम तुम्हारा है जी, तुसी पूछो। मेरा कम? अरे मेरा कौन सा कम? और तुसी बोल दो जी की गल है। हाँ अच्छा जी, तो फिर सुनो बाबूजी, आगे तो बोलिए। ओ यार, मैं सोच रहा हूँ जो मैंने बोल दिया, पता नहीं तेरी चाय जी को कैसा कैसा लगी। हाँ जी, आप बहुत खराब हो। पहले खुद ही बात शुरू करते हैं और फिर बीच में दर्ज आते हैं। बोलिए ना। पता नहीं तो भाव जी। अच्छा, तो फिर यूं समझ लो कि यहाँ से हमारा दाना पानी उठ गया। दाना पानी उठ गया मतलब? वाहेगुरु रक्षा करे। अनादि मेर और तेरे आंसुओं की बदौलत ही तो ये हुआ। मैं समझी नहीं थी। शाही जी, अज्जू की सगाई वाली रात तुसी ऐस करके रोए नहीं सी कि सारा का सारा कुनबा इतने पुणे च और अज्जू ते बेचारी नू उस दी भाई बोलो रोए सी नहीं? हाँ जी, फिक्र तो होनी हुई कि नहीं? फिक्रे विक्रे अब सब खत्म समझो जी। थोड़े बेनी प्राजी ने ऐसी जादू की छड़ी घुमाई है कि साडा सारा का सारा बिजनेस बंबई शिफ्ट। क्या कह रहे हो जी? यार नवी बंबई विच दो दो पेट्रोल पंप भी लगे। और मेरी प्राजी दी कोठी दे नेड़े साडी कोठी तैयार हो गई है। बॉम्बे जाएंगे। मुंबई। बॉम्बे। मुंबई। चुप करो। बताओ जी, आपने अज्जू को खबर दी? अरे वो तो खुशी से पागल हो जाएगा। मैं अभी उनको फोन कर कर आता हूँ। नहीं हो नहीं, अज्जू को फोन क्या करना, और सीधा वहां धाई बोलते हैं ना। हाय मामा, आई एम फाइन, हाउ आर यू? अजय? हाँ यहीं पे है, काम कर रहा है, मीटिंग पर जाना है ना। अच्छा मामा, बाय द वे फर्नांडिस क्या कर रहा है? क्यों मम्मी के सर्वेंट को दोबारा बुला रही हो? मामा, मैं सोच रही थी कि अगर रूटीन वर्क ना हो तो आप फर्नांडिस को भेज सकती हैं, क्योंकि मैंने ना वो इंटीरियर वालों को बुला रखा है। क्यों, अभी भी कुछ काम बाकी है? बहुत काम बाकी है। लेकिन पता तो चले क्या? लिसन अजू, मामा जस्ट होल्ड ऑन वन मिनट। अजू, ये मेरा घर है, इसे मुझे अपने तरीके से सजाने दो, जस्ट लाइक माय ड्रीम्स। आई डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम यू, समझे? हाँ मामा, तो आप भेज रही है ना? फर्नांडिस यहाँ पे खाना बना जाएगा। अच्छा ठीक है, तो आप टिफिन ही भेज दीजिए, दैट विल डू। थैंक यू मामा, बाय। शिवानी, अगर मम्मी पापा का घर उसी शहर में हो जहां हम रहते हो, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हर छोटी मोटी बात के लिए उन्हें तकलीफ दी जाए। देखो अज्जू, तुम अपने काम में लगे रहो, वरना तुम ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो, ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो, इसी में लगे रहोगे। मिस्टर पटेल, कौन बदतमीज बार-बार घंटी बजाए जा रहा है? कौन है? अज्जू पुत्र, मैं। ओए, अब तेरे को ना। जिंदी रे पुत्र, जा कपड़े पाके आओ। क्या कर रहे हैं?
पीती ताया जी और ताजी आए, जल्दी जाओ। अचानक ताया जी मेरी बोना और जिंदा रहा पुत्र, जिंदा रहा। खुश रहो। आओ ना अंदर, आओ ना। हाँ आइए आइए। ताया जी आपकी आंखों में कुछ चले गए? ताया जी क्या? एक मिनट सुनो जी, मैं क्या नू चली गई है, थोड़ा अखा खोल दो। अच्छा हाँ पता है मैंने। ओए अज्जू पुत्र ओए की हाल है काका? भाई वाह, तेरा मकान तो बड़ा हो गया लेकिन थोड़ा छोटा है, क्यों जी? हाँ जी। ताया जी आप लोग अचानक? और यार क्या है कि मैं आज तेरे को एक बहुत बढ़िया न्यूज देने आया हूँ, तू सुनेगा ना तो फौरन पंगड़ा डालना शुरू कर देगा। ओ जी आजकल के मुंडों को पंगड़ा शंगड़ा नहीं आता है, इनको तो वो आता है, वो क्या कहते हैं, हाँ डिस्को खिस्को। प्रकाशे हाँ जी तू फिर बोले बीच। और नहीं यार नहीं यार तू, अरे यार क्या तू कह रहा, क्या चाहती है कि मेरे को डिस्को नहीं आता? छोड़ो ना, मेरे को डिस्को नहीं आता, यही कह रहे थे तू? छोड़ो ना, कहते मेरा डिस्को तू, और तू को गाना गुना गा पुत्र। मैं गा दू अंग्रेजी गाना गा, तारा दा 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 तारा दा। देखिया डिस्को डिस्को तो हो गया, लेकिन खुशखबरी के हां सुन पुत्र, और क्या है कि हमारे यार ने नवी मुंबई में दो दो पेट्रोल पंप ले लिए हैं। आगे सुनो, हमारे यार ने हमारी कोठी के साथ ही मिलती हुई एक नई कोठी भी खरीद ली है, बड़ी सी। इसका मतलब भाऊ जी डेली पुणे से बॉम्बे आएंगे? और खाते दे पुत्र, धंधा मुंबई में है, कोठी मुंबई में है, अपनी औलाद मुंबई में है, तो हमारे यार ने सोचा है कि अब वो पुणे में क्या रखा है, हम सब मिलजुल के उस बड़ी सी कोठी में रहेंगे। छोटी सी नहीं समझ में आती इसके। आजकल तो बुल्ले नहीं समझ में, प्रकाश